गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू लर्न जीएसटी। यदि कोई पर्सन जीएसटी का प्रोफेशनल बनना चाहता है या जीएसटी का एक्सपर्ट बनना चाहता है तो वो कैसे जीएसटी में एक्सीलेंस हासिल कर सकता है, क्या वो रूल्स है जो उसे देखने चाहिए टू बिकम द जीएसटी एक्सपर्ट। तो आइए आज अपनी इस वीडियो में हम वही डिस्कस करते हैं। मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लर्न जीएसटी एंड फोर रूल्स दैट विल मेक यू टू बिकम द जीएसटी एक्सपर्ट। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर वन, लर्न टू लर्न डेली। डेली कुछ ना कुछ लर्न करना सीखिए। मेरे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, 1.01 की पावर 365 इज इक्वल टू 37.78 एंड 0.99 की पावर 365 इज इक्वल टू 0.03। आप मैथमेटिकली इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये एग्जांपल आपको क्या दिखाता है, आप सोचिए इसके बारे में। तो अगर मैं बताऊं, द अबव एग्जांपल शोज द डिफरेंस दैट इफ यू डू ए लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ even 1% only on daily basis, then after 1 year, that is 365 days, result will be 1000 times higher. यानी कि अगर आप छोटा सा यानी कि 1% भी effort अपना डाल देते हैं तो एक साल बाद जो आपके results होंगे वो 1000 times higher होंगे in comparison to others who are not putting that extra effort. Therefore, you should make a habit to learn GST on daily basis. यानी कि अगर आपको professional बनना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको कुछ ना कुछ daily उसमें learn करना है. Rule number second, watch your step. Normally, जो बिगनर्स होते हैं वो सीधे प्रोफेशनल बनने की होड़ में सब कुछ पढ़ना चालू कर देते हैं, उसके बारे में जानना समझना सब कुछ चालू कर देते हैं। लेकिन रुकिए, अपने स्टेप्स को धीरे 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 लेके जाइए। अगर कोई डॉक्टर भी होता है तो उसके पास भी सीधे हार्ट अटैक के केसेस नहीं आते, उसके पास भी जुकाम बुखार इन सब चीजों के केसेस आते हैं। तो व्हाट यू शुड डू, स्टार्ट विद द बेसिक रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर ऑल। सबसे पहले आप वो सारे बेसिक रूल्स समझिए जो सभी पर अप्लाई होते हैं। आप सीधे मर्जर एंड एक्विजिशंस पे चले जाएंगे, उसके टैक्स ट्रीटमेंट पे चले जाएंगे तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। आप बेसिक रूल से स्टार्ट कीजिए जो सभी एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल हैं और उसको ध्यान से समझिए। डू नॉट जंप टू द रूल्स रिलेटेड टू प्रोसिक्यूशंस अपील्स इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर्स एडवांस रूलिंग एक्सेट्रा। Keep it for the next level. In initial practice, these rules are not going to be used by most of the professionals. यानी कि अगर आप initial practice level पे हैं तो ये rule आपके लिए अभी applicable नहीं होंगे। यानी कि कोई भी बंदा नहीं है जो आपको initial level पे अपना search का case handle करने के लिए दे देगा। तो start with the basic rule. Interpret the Bayer law. Rule number third says, जो बेयर लॉ है उसे इंटरप्रेट कीजिए। लोग प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करते हैं, सेक्शंस देखेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन गूगल पे जाकर सर्च करना चालू कर देंगे। उससे आपको समझ में तो आने लगेगा लेकिन वो जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो व्हाट इज रूल थर्ड, इंटरप्रेट द बेयर लॉ, रीड द लॉ। A professional must be proficient in reading and understanding the language written in the bare law. An interpretation of the law in simple word is good for the common people but not for the tax professionals. Hence, आपको bare law को समझना, उसकी drafting किस हिसाब से हुई है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो once you start reading, सबसे पहले आपको bare law को ही समझना चाहिए। Last एंड फाइनल रूल, रूल नंबर 4, अपडेशन इज द की टू अनलॉक सक्सेस। किसी भी लॉ में अगर आपको प्रोफेशनलिज्म चाहिए, आपको एक्सपर्टीज चाहिए तो उसकी जो चाबी है वो सिर्फ अपडेशन है। यदि आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप उसमें कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। हैंस बी अपडेटेड विद सी एस सुमित गर्ग, सब्सक्राइब अवर चैनल
and be updated on daily basis. The more you update yourself, more you gain the power to remember sections, rules and notifications. Also, you get to know about what problems are being faced by the taxable person and what possible change has proposed to remove such difficulties. तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और फीडबैक इन दिस रिगार्ड, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.